गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा रान शोल्डर फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स सी फूड स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है विद प्लेजेंट एम्बियंस वाइड रूम स्पेस विद टू दस्तरखान सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18 इवेंट एंड पार्टी स्पेस सिटिंग कैपेसिटी 120+ पार्किंग अवेलेबल द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स आज ही आए हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के रेती बंदर सर्कल पर और आपको बता दें कि इस रेती बंदर सर्कल पर जो है कुछ साल पहले ही यहां पर महापुरुषों की प्रतिमा बनाई गई थी। आपको दिखाएंगे कि ये महापुरुषों की जो प्रतिमा यहां पर बनाई गई, दरअसल इसलिए ये सुंदरीकरण करके बनाया गया कि लोग इन्हें जान सके, इनके बारे में समझ सके। नीचे आप देखेंगे कि तमाम कलाकृतियां भी बनाई गई है, माझा महाराष्ट्र लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये सुंदर यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर लोग सेल्फी खींचने के लिए आया करते थे। ये रेती बंदर का सर्कल है, आप देखेंगे यहाँ पर लोग घूमने के लिए, यहाँ पर नजदीक खाड़ी है, घूमने के लिए भी यहाँ आते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन ये बनाया गया था और यहाँ पर लोग सेल्फी लेने के लिए भी आया करते थे। लेकिन जिस तरह से अब इसकी ये हालत हो गई है कि ये टूट गया है मेंटेनेंस ना होने की वजह से, इसे वक्त जरूरत पड़ने पर इसे बनाना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। लेकिन हालात देखेंगे, ये मुमरा जाने वाला रास्ता है यहाँ से और यहाँ आई लव मुमरा लिखा हुआ है, लेकिन आई गायब है, जो लव लिखा हुआ है वो भी टूट चुका है। बांध के इसको रोका गया, देखेंगे कि इसे बांधा गया है, इसी तार वगैरह से इसे बांध के इसे रोक दिया गया है ताकि ये रुका रहे। और भी जो यहाँ मुमरा लिखा हुआ है ये भी टूटा हुआ है और इसी तरह से आगे के तरफ जो है लिखा हुआ है लव कलवा लव खारे गांव, वो भी टूटा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये एक खूबसूरत बनाया गया था ताकि यहाँ पर लोग आए, घूमे, सेल्फी निकाले, बहुत खूबसूरत लगता था जिस वक्त ये बनाया गया था। और यहाँ पर जो महापुरुष है जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकमान्य तिलक, संत तुकाराम दास महाराज, सावित्री भाई फुले, इन सभी लोगों की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है और बहुत खूबसूरत दिखता था। लेकिन मनपा प्रशासन इसे ठीक से देखभाल नहीं की, मेंटेनेंस नहीं की और आज ये जो है पूरा टूटा हुआ है। आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ये प्रतिमा भी बनाई गई है वहां भी तब धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, मधुमक्खियों का जो है छत्ता भी छोटा छोटा लग चुका है इसमें। यहाँ देखिए यहाँ भी मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और इसी तरह से ये जो लव कलवा सारे गांव लिखा हुआ है ये भी टूट गया है। मनपा प्रशासन को इसे रिपेयर करना चाहिए, इसे बनाना चाहिए ताकि जिस तरह से ये जब इसकी ओपनिंग हुई थी, जो कलवा मुमरा के विधायक है जितेंद्र आवाज और अमूल कोल्हे जो एनसीपी के नेता है उनके हाथों इसका ओपनिंग किया गया था, बड़ी तारीफें हुई थी इसकी और खूबसूरत बना भी था ये। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही सामने आ रही है, इसकी देखभाल नहीं की जा रही है, बराबर से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जो लिखे हुए हैं आई लव मुमरा लिखा हुआ, आई लव कलवा खरे गांव लिखा हुआ, ये सब टूट चुका है। और जो यहाँ पर देखेंगे आप ये प्रतिमाएं हैं, यहाँ पर भी कलर वगैरह धीरे धीरे छूट रहे हैं और मधुमक्खियों का छत्ता भी इस पे लग रहा है। इसे जो है देखभाल करने की बेहद जरूरत है। उम्मीद है कि मनपा प्रशासन जल्द ही इसे जो है दुरुस्त करेगी, जो भी टूटे हैं सब उन सब की मरम्मत कार्य करके एक बार फिर से इसे सुंदर बनाया जाएगा।